नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेवैया। तो ये मीठा सेवैया है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो हम सेवैया बना सकते हैं। सेवैया दो तरह के आते हैं, एक थोड़ा बारीक होता है, एक थोड़ा मोटा होता है। तो बारीक वाला बहुत जल्दी ही बन जाता है और रोस्टेड भी होता है, लेकिन जो थोड़ा मोटा होता है उसको थोड़ा सा भूनना ज्यादा पड़ता है और पकाना भी ज्यादा होता है। तो ये मेरे पास बारीक वाला है, तो ये तुरंत ही बन जाता है। इसको बनाने के लिए सेवैया ले लेंगे, थोड़े ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा घी डालकर भून लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा घी डालेंगे, इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डालकर भून लेंगे, निकाल लेंगे। अब सेवैया को हम तोड़ देंगे। ये लंबे लंबे साइज में आते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं और लंबे होते हैं, तो इनको हम पहले तोड़ देंगे। फिर इनको ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद उसी कढ़ाई में डालकर थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। थोड़ा जब भून जाएगा तब हम इसमें उबले हुए दूध डाल देंगे, इसको पकाएंगे, उबाल आने देंगे। 2 चम्मच चीनी डाल देंगे, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दें। उबाल आने देंगे, 2 मिनट के लिए पका लेंगे, खुला ही पकाएंगे। अब इसमें थोड़े भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। 2 मिनट जब उबल जाएगा तो ये बहुत ही बारीक होता है, पककर रेडी हो जाएगा। तो चूल्हे को बंद कर देंगे, अब इसको सर्व करेंगे, ड्राई फ्रूट्स से गार्निशिंग करेंगे। रेडी हो जाएगा हमारा सेवैया, ये बहुत ही टेस्टी होगा। तो इसको बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक्स। नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की मीठी मठरी। बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको पर्व त्योहार में भी खाया जाता है, आप ऐसे भी खा सकते हैं, हेल्दी भी होता है। तो ये हम गुड़ से बनाएंगे, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए एक पैन में 1/2 बाउल गुड़ ले लेंगे, जेगरी पाउडर भी ले सकते हैं, 1/2 बाउल पानी डालेंगे, इसको गर्म कर लेंगे, गुड़ को अच्छा पिघला लेंगे। अब इसे ठंडा करेंगे। 2 बाउल गेहूं का आटा ले लेंगे, 2 चम्मच सफेद तिल डालेंगे, 1/4 बाउल घी डालेंगे, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें गुड़ का जो पानी था, जो हमने घोल तैयार किया था, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटा गूंदेंगे। पूरा गुड़ का घोल डाल देंगे। अब जरूरत के हिसाब से जितना पानी लगेगा डालकर इसका एक आटा तैयार कर लेंगे। आटा ज्यादा सॉफ्ट होगा ना ज्यादा हार्ड होगा, पूरी के आटे की तरह होगा। गूंदे हुए आटे का एक बड़ा लोई बनाएंगे, बड़े आकार में इसको बेल लेंगे, चारों तरफ बराबर बेलेंगे, इसकी मोटाई इतनी होगी। अब फोर्क की मदद से इसमें प्रिक कर लेंगे, ग्लास कटोरी या किसी कटर की मदद से इसको शेप दे देंगे, तो मठरी का शेप हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, जब तेल गरम हो जाएगा तो 3-4 मठरी के शेप को डालकर उलट पुलट कर अच्छा दोनों साइड से पका लेंगे। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अच्छा यह पक जाएगा, तब हम इसको निकाल लेंगे। रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही टेस्टी मीठी मठरी। इसको पर्व त्योहार में बनाया जाता है, तो इसको आप बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक्स। नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के आटे का पेड़ा। तो ये बनाने के लिए हम 2 कप चावल का आटा ले लेंगे, इसको सुनहरा होने तक भून लेंगे, ये अच्छा पक जाएगा। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 1/2 कप चीनी गरम करेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे, इसको चीनी घुलने तक उबाल लेंगे। अब भुने हुए चावल का आटा इसमें डाल देंगे, अच्छा मिक्स करेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे, ये अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, इसको ठंडा करेंगे और इसे हम सेब दे देंगे। रेडी हो जाएगा चावल के आटे का पेड़ा। है